राशिफल के अनुसार आज यानी रविवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं ग्रहों के चाल के मुताबिक आपकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि वालों का राशिफल। मेष राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपको कार्य क्षेत्र में कोई ऐसा काम मिल सकता है जिस कारण आपको मेहनत अधिक करनी होगी। आपको अत्यधिक थकान का अनुभव होगा। आप अपने आवश्यक काम को प्राथमिकता दें तभी वो पूरा हो सकेंगे। यदि आपको कोई धन संबंधित मामला आपको परेशान कर रहा था तो आप उसे सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई कानूनी मामला आपके लिए सिरदर्द बन सकता है। वृषभ राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आप नौकरी में बदलाव कर सकते हैं। आप अपने घर किसी नए वाहन को लेकर आ सकते हैं। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आपकी संतान ने यदि किसी परीक्षा को दिया था तो उसके परिणाम आने से आप प्रसन्न रहेंगे। आप परिवार में किसी छोटे मोटे जश्न का आयोजन कर सकते हैं। आप तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगे जिसमें कुछ उलझन तो आएंगी लेकिन आपको उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। मिथुन राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए कुछ नई उलझने लेकर आएगा। आपको अपने किसी मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिलेगा। आप उनके साथ मौज मस्ती करते नजर आएंगे। आप अपने व्यावसायिक तनाव को आसानी से दूर कर सकेंगे। परिवार के लोग आपकी दी गई सलाह पर अमल करेंगे जिसे देखकर आपको खुशी होगी। संतान की किसी फरमाइश के पूरा ना होने से वो आपसे नाराज हो सकती है। आपका ध्यान कुछ सामाजिक समस्याओं पर भी जाएगा जिस कारण आप लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे। कर्क राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको कुछ समय अपनी संतान को भी देना होगा ताकि उनके मन में कोई बात ना रहे। कुछ नए लोग आपसे मित्रता रखने की चेष्टा रखेंगे। आपकी वाणी की सौम्यता आपको मान सम्मान दिलवाएगी। पारिवारिक जीवन में चल रहे संघर्षों को लेकर आप परेशान रहेंगे। सिंह राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। आप अपनी ऊर्जा को सही काम में लगाएं। आपको अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखना होगा। यदि आपने किसी प्रॉपर्टी की डील को फाइनल करने का विचार किया है तो वो आज फाइनल हो सकती है। आपके पिताजी का कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है इसलिए आपको उसमें डील देने से बचना होगा। कन्या राशि वालों की बात करें तो आज नए संपर्कों से आपको लाभ मिलने की संभावना है। काम में आ रही समस्याएं भी दूर होंगी। किसी काम को लेकर योजना बनाकर आगे बढ़ना अच्छा रहेगा। आपके पिताजी से आपकी किसी बात को लेकर कहा सुनी हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट होने के कारण आपको उन्हें डॉक्टर को दिखाना होगा। आप किसी से धन उधार ना लें, आपको सरकारी काम में समस्या आ सकती है। तुला राशि वालों की बात करें तो आज का दिन विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा जिसमें आपकी मेहनत नजर आएगी। आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है नहीं तो बाद में पछतावा हो सकता है। आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे और उनके हित की बात भी करेंगे। राजनीति में कार्यरत लोग अपने घर कार्यालय पर कुछ आयोजन कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए सोच समझ से कामों को करने के लिए रहेगा। आप किसी दूसरे पर निर्भर ना रहें। आपके आस पड़ोस में किसी से लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में शांत रहें। परिवार में लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे। जीवन साथी को लेकर कहीं बाहर शॉपिंग पर जा सकते हैं। आपको आपके बिजनेस में रुका हुआ धन मिल सकता है। धनु राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से फलदायक रहने वाला है। आपके जीवन साथी की सलाह आपके पारिवारिक बिजनेस के लिए कारगर सिद्ध होगी। आपको अपनी संतान से किए हुए वादे को पूरा करना होगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने अधिकारियों से शाबाशी मिल सकती है जिस कारण आपका मनोबल और बढ़ेगा। मकर राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए मेहनत भरा रहेगा। आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। अपनी मेहनत से आप एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। कार्य क्षेत्र में भी आप कुछ बदलाव कर सकते हैं जिस कारण आपकी कुछ योजनाओं से आपको समस्या तो होगी लेकिन बाद में आपको उससे अच्छा धन मिलने की संभावना है। आप अपने किसी कानूनी मामले को लेकर अपने सहयोगियों से बातचीत कर सकते हैं। आप अपने घर से कुछ पुराने फर्नीचर को हटाकर नए की खरीदारी कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों की बात करें तो आज आप किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आपके परिवार का कोई सदस्य विवाह योग्य है जिसके विवाह की बात पक्की हो सकती है। आप कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारियों की सलाह ना मानकर बड़ी गलती कर सकते हैं। आपको अपने खान पान में संतुलित भोजन लेना होगा। घूमने फिरने के लिए आप कहीं बाहर जाने की योजना बना सकते हैं। आप अपनी संतान की पढ़ाई को लेकर थोड़ा सख्त रहें। मीन राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। सेहत में कुछ गिरावट रहने के कारण आप अपने कामों को कल पर टाल सकते हैं। आपको अत्यधिक गर्मी में बाहर जाने के कारण समस्या हो सकती है। आप अपनी डाइट में तरल पदार्थों को
प्राथमिकता दें। जीवन साथी आपकी कोई मनपसंद चीज आपके लिए लेकर आ सकते हैं। सरकारी नौकरी को लेकर परेशान चल रहे लोगों को मेहनत तो करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे काम पर भी ध्यान देना चाहिए। आप माता जी को ननिहाल पक्ष के लोगों के यहाँ घुमाने फिराने लेकर जा सकते हैं। ऐसे ही अपना रोज का राशिफल जानने के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।